इस तरह की तैयारी चल रही है, डांसिंग कर रहे हैं सबकी दिवाली में वे डांसिंग, तो अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग सॉन्ग्स पे परफॉर्म कर रहे थे, उसकी रिहर्सल चालू है, बस वही कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ हाई हील्स दे नच्चे, और बेबी को बेस पसंद है, तो दे आर वेरी हाई एनर्जी हाई वोल्टेज सॉन्ग्स, सो वी लाइक रियली स्वेटिंग इट आउट। कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं आप? अभी तो बोला हाई हील्स और बेबी को बेस पसंद है। ऐसा कौन सा गाना है जो आपके दिल के बहुत करीब है? जो मेरा ऐसा कोई गाना नहीं जो दिल के बहुत करीब है, गाने आते हैं गाने जाते हैं और हम परफॉर्म करते हैं, सो देयर इज नो सॉन्ग एज इन देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स दिस दैट कीप कम एंड गोइंग एंड दे हैव गॉट देयर ओन फ्लेवर, तो मुझे हर सॉन्ग पसंद है एंड आई जस्ट लव। जब मैं रिहर्सल हॉल में आता हूँ तब मुझे मज़ा आता है, मैं बाहर नाच नहीं सकता, तो मैं सबसे ज़्यादा इधर ही नाचता हूँ। हम लोग शूटिंग कर रहे हैं बड़ी दूर से, और एज लॉन्ग एज मेरा हर दिन होता है जहाँ पे मुझे पता होता है कि मैं कितने बजे आता हूँ कितने बजे जाता हूँ, और मेरा फिक्स्ड होता है, मैं टाइम टेबल बना के चलता हूँ और मैं उसी टाइम टेबल को फॉलो करता हूँ। तो कल अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं कल 9:30 बजे यहाँ रिहर्स कर रहा हूँ, और वो मुझे पता है, और वो शूटिंग वाले भी एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि मेरी रिहर्सल है, और वैसे ही जब मैं शूटिंग करता हूँ और इनको कुछ बीच में चाहिए तो मैं वहाँ नहीं कर सकता ऐसे। हम लोग दीपावली में हम बेसिकली वी बस फ्यू क्रैकर्स कभी करते हैं कभी नहीं भी करते हैं, बट हाँ घर के बाहर दिए ज़रूर रखते हैं क्योंकि दैट ब्रिंग्स इन लाइट टू द हाउस एंड प्रॉस्पेरिटी, सो वी जस्ट डू दैट। हाँ कोरियोग्राफर सबकी दिवाली के लिए विठल है और उनके असिस्टेंट्स हैं साकेत, तो वो मुझे सिखा रहे हैं। जैसे कि दीपावली आ रही है तो चाइना से बहुत सारे पटाखे वगैरह वगैरह इस तरह सामान जो आते हैं, तो क्या उसको हमें अवॉइड करना चाहिए?